नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जहां इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है, वहां पर अगर आप सही में सोचो तो राइट एम्प्लॉयज मिलते भी कहां हैं, वो चाहे ड्राइवर्स हों चाहे मैनेजर्स। कितने ही कंपनीज रोज लाखों जॉब्स पोस्ट करती हैं, लेकिन बाहर लाइन तो लग जाती है लेकिन सही आदमी नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट में क्वालिटी पीपल का ना होना भी एक रोल है। तो जब क्वालिटी पीपल मिल जाते हैं जिनकी शॉर्टेज है, और उसके बाद उसको रिटेन करना हर कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके कंपेटिटर कंपनीज हर समय आपके सही एम्प्लॉयज को छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। और सेकेंडली देखिए, आपके कंपनी में जो लोग आ चुके हैं, कंपनी सेम है, कंपनी की सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, कंपनी की पॉलिसीज सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, ट्रेनिंग सेम है, तो कुछ लोग एक्सेल कर रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर मैनेजमेंट कहीं इनको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। शायद मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप गलत सोचते हो, मुझे गलत नहीं समझिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी ये वीडियो आपको कोई आइडिया दे दे जिससे आप सही लोगों को रिक्रूट कर पाओ, वो तो आप कर ही लोगे, और उसके बाद उनको रिटेन कर पाओ। जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, वो फर्नीचर, बिल्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट से भी ज्यादा अपने एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करती हैं। मैंने ऐसी ऐसी कंपनीज भी देखी हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, अच्छे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे, अच्छे सेल्समैन नहीं मिल रहे, अच्छे मैनेजर्स नहीं मिल रहे, इवन अच्छा स्टाफ, जो ऑफिस बैक ऑफिस स्टाफ है, वो भी नहीं मिल रहा। और उनके मैंने फर्नीचर देखे हैं करोड़ों रुपए, इतने शान से, इतने मान से कहते हैं कि मैंने इस ऑफिस में 5 करोड़ रुपए का फर्नीचर लगा दिया है, मैंने कल मशीनरी इंपोर्ट की है 5 करोड़ रुपए की, लेकिन मुझे लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि लोगों में आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। मैं सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, आइडियाज इन्वेस्ट करने की बात भी साथ ही में है। आपकी एनर्जी, आपकी ट्रेनिंग, आपका टाइम, आपके दूसरे रिसोर्सेज भी तो इन्वेस्ट करने हैं। तो मेरी ये वीडियो आज आपको थोड़ा सा ये आइडिया देगी कि आप अपने एम्प्लॉयज को और ज्यादा कैसे मोटिवेट कर सकते हो ताकि वो आपके साथ कमिटेड रहें, लॉयल रहें, आपके कंपनी के साथ जुड़े रहें, और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी कई गुना मल्टीप्लाई हो जाए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो डेफिनेटली आपकी कंपनी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करेगी। तो आइए समझते हैं। तो जो पहली बात समझने वाली है, आपके एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयर तभी एग्जिस्ट करता है अगर एम्प्लॉयज हैं। तो किसी भी पोजीशन पर, किसी भी सिचुएशन पे जो हमारी एग्जिस्टेंस है, जो हमारी सर्वाइवल है, जो हमारी सक्सेस है, वो दूसरे लोगों के कारण है। एक पॉलिटिशियन कामयाब है बिकॉज ऑफ वोटर्स, एक संत काम है बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स, एक ट्रेनर कामयाब है बिकॉज ऑफ ट्रेनीज, एक दुकानदार कामयाब है बिकॉज ऑफ कस्टमर्स, एक टीचर कामयाब है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, और एक एम्प्लॉयर कामयाब है बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयज। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके एम्प्लॉयज ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स का मतलब है हर एक ह्यूमन बीइंग यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। अगर दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ लोगों की नेचर डिफरेंट होती है। सिर्फ उनके थंब इंप्रेशन नहीं अलग अलग हैं, उनके फीचर्स ही नहीं अलग अलग हैं, उनकी नेचर भी अलग होती है, उनकी नीड्स अलग होती हैं, उनके कंसर्न्स अलग होते हैं, उनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनके शौक अलग होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज आपके साथ हमेशा रहें, तो आपको उनके साथ वन टू वन बैठ के उनकी नेचर को, उनकी नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को वगैरह वगैरह को समझना होगा. ओवर द कॉफी, नॉट नेसेसरली ओवर द कॉफी. आप उनकी पसंद की जो चीज है उस पर बैठिए. आप चाय पर बैठ सकते हैं, डिनर लंच पे बैठ सकते हैं, पिज्जा बर्गर पे बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे वन टू वन में आपने ड्रिंक्स को अवॉइड करना है. और इन वन टू वन में आपने बिजनेस डिस्कस नहीं करना है. आपने केवल उसकी यूनिकनेस, जहां वो अनोखा है, जहां पर वो लोगों से अलग है, उसको समझने की कोशिश करनी है. अगर एज ए मैनेजर, एज एम्प्लॉयर आपको लगता है कि आपके पास तो इतना टाइम नहीं है, तो बिलीव मी, ये टाइम निकालना आपकी ड्यूटी का पार्ट है. अगर आपने ये टाइम इन्वेस्ट किया तो उनकी प्रोडक्टिविटी जितनी बढ़ जाएगी, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इस टाइम की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ट रिटर्न देगी. अब एक और चीज जो ध्यान रखने वाली है कि आपके एम्प्लॉयज केवल अपने लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने परिवार के लिए भी काम कर रहे हैं. तो आप जब उनके साथ वन टू वन बैठिए, तो आपको उनके पेट नेम का पता होना चाहिए. और अगर आपको सही लगे, जो लगना भी चाहिए, तो आपके पेट नेम का भी उनको पता लगना चाहिए. ए बिजनेस इज ए बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज ए कप ऑफ टी. जब आप ऑफिस में हैं तो प्रोफेशनलिज्म, जब आप काम पे हैं तो प्रोफेशनलिज्म, वो बॉस और जूनियर का रिलेशन. लेकिन जब आप कप ऑफ टी के ऊपर है, तो वो आपके परिवार के मेंबर हैं, एक एक्सटेंडेड फैमिली है, वो आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कुलीग सिर्फ वर्क प्लेस पे हैं. तो उनका पेट नेम आपको पता होना चाहिए, उनकी फैमिली में कौन कौन है आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और उनके पेट नेम और उनके इंटरेस्ट और उनके शौक और उनकी समस्याएं, कितने चैलेंज है. आपको लगता है कि यार मैंने सबको ट्रेनिंग दी, सबको सिखाया, लेकिन कुछ लोग तो रिजल्ट्स दे रहे हैं, कुछ रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं. दो सेल्समैन बाजार में भेज दिए, एक एक्सेल कर गया और एक कुछ कर नहीं पाया. जो कुछ कर नहीं पाया, उसको जो ट्रेनिंग मिली थी वो दूसरे से बेटर थी, उसका नॉलेज दूसरे से बेटर था, उसका एक्सपीरियंस भी दूसरे से बेटर था, बट उसके परिवार में कुछ समस्या चल रही है. आप उसको सॉल्व करो ना, आप उसको सॉल्व कर दो, वो आपके लिए कमिटेड तो बढ़ जाएगा, उसकी कमिटमेंट तो बढ़ जाएगी, उसकी लॉयल्टी तो बढ़ जाएगी, बट उसकी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी भी तो मल्टीप्लाई कर जाएगी. तो आपने उसके फैमिली के बारे में जाना है, इवन उनके जो पेट्स हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उसके घर में कौन कौन से पेट्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, या कोई बर्ड्स रखे हुए हैं, और उनके नाम क्या हैं, कैसे उनको डील करते हैं. याद रखिएगा कि आपके एम्प्लॉयज ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो कंप्यूटर्स नहीं हैं, जहां पर कोई भी गलत कमांड अंडू की जा सकती है. ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करने के लिए यह ध्यान रखिएगा, कुछ भी बोला हुआ, कुछ भी एक्ट किया हुआ अनडू नहीं हो सकता. इसलिए जब भी आप वन टू वन बैठें, तो दिल से प्योर होके उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी फैमिली को खुश देखने के लिए, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, दिल से प्योरली From your soul, from your heart, क्योंकि आपकी कोई भी गलत, हो सकता है आपकी intentions ठीक हो, लेकिन अगर आपने words गलत बोल दिए, तो वहां पर जो receive होगा वो कभी भी undo नहीं हो पाएगा. As a employer, आपके लिए important है क्या productivity, commitment, loyalty, retention, या कि रूल्स. मैंने कई कंपनीज देखी हैं जहां पर रूल बुक इतनी स्ट्रांग है कि जो एम्प्लॉई है उसके मन में जॉब चेंज करने का ख्याल पैदा हो जाता है.
और जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है निकल जाता है. आप काम लीजिए उनसे, जितना भी आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं करवाइए, लेकिन ऐसा रूल कोई नहीं बनाइए जिससे वो बाहर जाने के लिए सोचे. उनके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया भी नहीं आना चाहिए, बीज पनपना नहीं चाहिए कि उन्होंने इस जॉब को चेंज करना है. यार मजा नहीं आ रहा. ये जो जैसे उसके मन में ये सोच आ गई कि मजा नहीं आ रहा, तो वो उस दिन से एक तो उसका ध्यान चला जाएगा जॉब चेंज करने के लिए, वो हंटिंग शुरू कर देगा, और जितनी देर वो आपके साथ रहेगा आपकी कंपनी के लिए बेस्ट नहीं दे पाएगा. आपके एम्प्लॉयज का ज्यादातर टाइम, उनकी लाइफ का ज्यादातर टाइम वर्क प्लेस पे निकलता है, ऑफिस पे निकलता है, और इसलिए ऑफिस का एनवायरनमेंट, उसका एम्बियंस, हर चीज ऐसी होनी चाहिए कि उसको वहां पर प्यार हो सके उस कुर्सी के साथ, उस टेबल के साथ, उस कंप्यूटर के साथ, उस दीवारों पे जो कलर है, जो पेंटिंग है उसके साथ, छत के साथ, पंखे के साथ. इवन आपने अपने घर में भी देखा होगा कि अगर बेडरूम में आपकी मर्जी का फर्नीचर नहीं है, अगर पेंटिंग आपकी मर्जी की नहीं है, तो आपका प्यार नहीं पड़ता, आपको मजा नहीं आता, आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि यार मजा नहीं आ रहा. तो आपने ध्यान रखना है कि आपके एम्प्लॉयज को मजा आ रहा है. हो सकता है वो चेयर उसके लिए कंफर्टेबल ना हो, आपने सबको एक जैसी चेयर्स प्रोवाइड कर दी, अब उसका कॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा, उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है कि चेयर तेरे मतलब की नहीं है. वो आपको कह नहीं पाएगा, रूल्स है, कंपनी है, आप उसके एम्प्लॉयर हो. तो कभी पूछा है आपने अपने एम्प्लॉय से कि बेटा, भाई, बहन, बिटिया, तेरी जो चेयर है ये कंफर्टेबल है? आप उसको बेस्ट कुशन प्रोवाइड कर रहे हो और उसको कुशन कंफर्टेबल लगता ही नहीं है, वो तो हार्ड चेयर पे बैठना चाहता है. तो उसका फर्नीचर अगर उसकी मर्जी का दे दीजिए, कुछ नहीं जाएगा यार, आपने काम लेना है. और मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई जमीन पे चटाई बिछा के बैठ के काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल है तो दे दीजिए ना, आपको रिजल्ट लेने हैं, आपको प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस लेनी है, और जो मैंने शुरू में बात कही है आपने उनको रिटेन भी करना है. चेंज ऑफ सीजन में मेजॉरिटी कंपनीज में मेजॉरिटी एम्प्लॉयज अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. जब गर्मी से सर्दी आई तो सभी का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अलग अलग है. आपके घर में भी तो होता होगा कि अब चेंज ऑफ सीजन में कोई कहता है कि मुझे एसी का टेम्परेचर चाहिए 16 डिग्रीज, और कोई कहता है मुझे ठंड लग रही है 24 डिग्रीज चाहिए. तो अगर परिवार में ये अलग अलग टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो आपके ऑफिस में भी तो रिक्वायरमेंट ऐसी ही है. तो उन दिनों में आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयज अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और कई बार झगड़े भी होते हैं कि मेरी चेयर, ये एसी कम करो यार. आप ये देखो, अब पूछ लो, डिसीजन उसके हाथ में रख दो कि अपनी चेयर कहां रखना चाहते हो, एसी के नीचे या एसी से दूर, विंडोज के नजदीक या विंडोज से दूर. हो सकता है उसको बाहर की लाइट देखने में ज्यादा मजा आता हो, उसको विंडो के नजदीक ले जाइए. अगर वो कंफर्टेबल है कहीं मेन एंट्री के नजदीक तो वहां रख लीजिए. कई लोगों को अच्छा लगता है लोगों को आना जाना देखना, कई लोगों को दीवार की ओर मुंह करके काम करना, आइसोलेशन में अकेले काम करना अच्छा लगता है, उसकी चेयर वहां लगा दीजिए. तो चेंज ऑफ सीजन में, टेम्परेचर ऑफ रूम में जब चेंज आएगा तो अपने एम्प्लॉयज की कंफर्ट का ध्यान रखिएगा. हर एक एम्प्लॉय का मोटिवेशन फैक्टर डिफरेंट होता है. आप ये मत सोचिए कि जितने भी एम्प्लॉयज आपके पास आए वो केवल पैसे से ही मोटिवेट होंगे, और मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स यही गलती कर जाते हैं. वो उनको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ऑफर कर दिया, कोई पैसा ऑफर कर दिया, और वो मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं. हर किसी की मोटिवेशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. कई लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं, कई लोग केवल ताली बजाने से ही मोटिवेट हो जाते हैं, कई लोगों को अवार्ड और रिवार्ड चाहिए, कई लोगों को दूसरों की प्रेजेंस में उनकी तारीफ चाहिए.
ये जब वन टू वन आप करेंगे उसमें आप जान जाएंगे कि उसको क्या चाहिए। कोई इसी चीज से खुश है कि ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे उसकी फोटो लगी है मैन ऑफ द मंथ, वो केवल उसी के कारण आपकी कंपनी में टिका हुआ है, बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो जो जब लोग उसके पास आते हैं कि यार वेल डन, उसको मजा आता है। ये आपने जानना है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ पैसा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता है, ये आपने जानना है कि उसको क्या चाहिए। ओके, आज मोटिवेशनल कोट्स, सक्सेस थॉट्स फ्लड आ चुका है। हर कोई व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां जहां हो सकता है ना, वो लोगों को ज्ञान बांट रहा है। अब इस एनवायरनमेंट में, इस सिनेरियो में, आपने अपने ऑफिस में, अपने वर्कप्लेस पे मोटिवेशनल कोट्स के पोस्टर्स नहीं लगाने हैं। अगर लगाना भी है, एक आधा लगा लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं। वो तो पहले से परेशान है यार, वो तो कितना सीख लेगा, कोर्ट से, लेक्चर से, रीडिंग से तो नहीं सीखा जा सकता ना, वो तो आपकी ऑफिस का डेकर है। तो उनको अवॉइड कीजिए, और ना ही रोज सुबह उसके व्हाट्सएप में, उसके मैसेंजर में कोई मोटिवेशनल कोट्स फॉरवर्ड कीजिए। आप इतना जान जाइए, जो मंत्रा है, और 37 ईयर्स हो गए मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए लाइफ कोच, मैं दावे से कह सकता हूं, और आप चाहो तो मेरे साथ आर्ग्यू भी कर सकते हो, डिस्कशन भी कर सकते हो, बहस करने के लिए तैयार हूं, आप अपने एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनके पर्सनल गोल्स, उनके बारे में सोचना शुरू कर दो, उनकी हेल्प करनी शुरू कर दो, उनके परिवार में खुशी ला दो, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ ना कुछ बेटर कर दो, वो आपके लिए सिर्फ प्रोडक्टिव ही ज्यादा नहीं होगा, सिर्फ परफॉर्मेंस ही ज्यादा बेटर नहीं होगी, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो कंपनी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और जाने अनजाने में आपने देखा होगा कि आपकी कंपनी में ऐसे लोग होंगे जिनको आपने नोइंगली अनोइंगली उनकी पर्सनल ग्रोथ में उनकी हेल्प की, उनकी फैमिली खुशी के लिए उनकी हेल्प की, और वो लोग दिल से सोच बैठे हैं कि यार आज के बाद मरना जमना, आज के बाद स्विम करना तो सिंक करना, इसी कंपनी के साथ, इसी बॉस के साथ, इसी एम्प्लॉयर के साथ। मैं अक्सर कंपनीज में देखता हूं कि कंपनीज जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अनाउंस करती हैं तो एम्प्लॉयज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाने के लिए ही घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर भी तो केवल बिजनेस की बात करनी है, वर्क की बात करनी है, आपने क्वालिटी ट्रेनिंग देनी है, मशीनरी की ट्रेनिंग देनी है, अकाउंट्स की ट्रेनिंग देनी है, एडमिन की ट्रेनिंग देनी है, वो घबराते हैं। मैं ये नहीं कहता उनको ये ट्रेनिंग ना दो, ये तो उनकी बिजनेस के लिए, उनके वर्क के लिए यही तो लाइफ लाइन है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आप उनको उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ को ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हो, अगर सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हो, तो बेटर होगा आपके एम्प्लॉयज के लिए, और अगर उनके लिए बेटर होगा तो वो बाकी सब कुछ भी सीखना शुरू कर देंगे। जब उनको आप से आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा, उसका टाइटल दिया कि परिवार की खुशी कैसे बढ़ाई जाए, वो आएंगे। और अगर 6 घंटे का प्रोग्राम है तो 2 सेशन और भी रख लीजिए ना, उसमें 6 सिग्मा भी सिखा दीजिए, उसमें अकाउंट्स बनाने भी सिखा दीजिए, उसमें सेलिंग स्किल्स भी सिखा दीजिए। आई थिंक कि मैं अपना मैसेज दे पा रहा हूं। इतना तो आप समझते होंगे कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसके टेस्ट बड्स, उसकी जुबान का टेस्ट। और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, अगर उसको चाय पीने की तलब हुई है, अगर उसको कॉफी की तलब हुई है, तो वो सीट छोड़ के ऑफिस से बाहर जाने की कोशिश ना करे। चाहे
कॉफी इसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड ऑफिस में रख दो, बड़े बड़े ऑफिसेज में बड़ी बड़ी कंपनीज तो ऑलरेडी कर चुकी हैं, अगर आप कर चुके हो तो गुड, और अगर नहीं किया है तो रख लो, कुकीज रख लो। जो ये खर्चे है ना, ये एम्प्लॉय की सैलरी का मुश्किल से आधा परसेंट भी नहीं बनते होंगे, वैसे मैंने कह दिया है परसेंटेज तो बनती नहीं है। तो ये मान लो ना कि उसको सैलरी 25,000 नहीं दी है, 30,000 दी है, 25,000 उसको मैंने कैरी होम दे दिया है और 1,000 रुपये का मैंने उसको चाय कॉफी पिला दिया है, 2,000 रुपये का हर महीने मैंने उसको उसकी पर्सनल लाइफ की ट्रेनिंग, उसकी उसको लाइफ स्किल्स लगाने में खर्च दिया है, 2,000 रुपया मैंने उसके साथ 1-to-1 में खर्चा करना शुरू कर दिया है। तो पहले मान लो ना कि मैंने 30,000 दिया है, हफ्ते में एक बार कम से कम ब्रेकफास्ट ऑफिस में रखना शुरू कर दो, सभी लोगों को 1 घंटा पहले आने के लिए कहो, शौक से आएंगे। अगर फिर भी बजट्स की प्रॉब्लम है तो पॉटलक डिनर, पॉटलक लंच, पॉटलक ब्रेकफास्ट, इसमें क्या है कि अगर आपकी कंपनी में आपके ऑफिस में 40 लोग हैं या 30 लोग हैं तो हर कोई उस दिन एक डिश अपने घर से बना के लाएगा और इस तरह से 40 लोग कुछ ना कुछ लेके आएंगे और वहां पर आप लकी ड्रॉ निकालिए, 2-3 लकी ड्रॉ निकाल दीजिए। क्वालिटी टेस्ट के ऊपर आप डिसीजन नहीं लीजिए किसकी डिश बेटर है, आप हर किसी की डिश की तारीफ करेंगे और एक लकी ड्रॉ निकाल दीजिए कि लकीएस्ट डिश ऑफ द डे। ऐसी मीटिंग्स में जो क्लोजनेस आएगी, जो उसको वहां ऑफिस में आने का मजा आएगा, जो उसको प्यार बनेगा, जो आपके प्रति उसका रिगार्ड लेवल बनेगा, वो वर्ड्स में मैं तो एक्सप्लेन करने में असमर्थ हूं, मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा वर्ड्स में, कोई भी नहीं कर पाएगा, केवल फीलिंग्स को समझना होगा। जब हम बच्चे थे तो ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा अपनी पॉकेट में 1-2 टॉफीज रखते थे, हम सामने जाते थे टॉफीज दे देते थे और हमें भी होता था बार बार उनके सामने जाइए। इसी आदत को अपने साथ भी कर लीजिए ना, अपने पास कुकीज, ब्राउनीज, कुछ ऐसी चीजें रख लीजिए ना। हाँ, अनहेल्थी फूड हैबिट्स को ऑफिस में डिस्करेज करना, स्मोकिंग को डिस्करेज करना, ड्रिंक्स हार्ड ड्रिंक्स को डिस्करेज करना, अगर आप थोड़ी लेते हो, अगर आप कहो जी ये मैं एज ए मेडिसिन लेता हूं, तब भी आप इसको किसी भी तरह से एनकरेज नहीं कीजिए, क्योंकि हर किसी की अपनी नेचर है, ऐसा ना हो कि आपने उसको 30 ml की आदत डाली और वो 30 ml से पहुंच जाए 300 ml, रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। सो अवॉइड एनी अनहेल्थी फूड हैबिट्स इन द ऑफिस। फूड के बाद यानी जुबान के टेस्ट के बाद जो उसका सबसे बड़ा शौक है वो है अच्छा दिखना, जिसमें उसकी ड्रेस है, उसका मेकअप है, वगैरह वगैरह। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपकी कंपनी में कोई यूनिफॉर्म है तो एम्प्लॉयज यूनिफॉर्म को इतना ज्यादा कंफर्टेबल होके नहीं पहनता है, और क्योंकि ड्रेस कोड है तो इसलिए आप हफ्ते में एक दिन कैजुअल ड्रेस जरूर अनाउंस कीजिए, जिसमें वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन पाए, लोगों को दिखा पाए कि मेरे पास और भी जीन्स हैं, मेरे पास और भी टी शर्ट्स हैं, मेरे पास और भी जैकेट्स हैं, मैं अच्छी डिफरेंट कलर की लिपस्टिक यूज कर सकती हूँ, मैं आईलाइनर्स भी यूज करती हूँ, वगैरह वगैरह। और कभी कभी थीम अनाउंस कर दीजिए, कलर्स अनाउंस कर दीजिए कि आप आज रेड थीम है, आज कोई, ये तो आपने इनोवेट करना है कि किस तरह से आप, हाँ इसको इनोवेट करने के लिए भी अपने स्टाफ के साथ ही बैठ जाइए, उनको कहिए कि इस बार हम कौन सा नया थीम लेके आए, ब्रेनस्टॉर्मिंग में उनको लगेगा ओनरशिप, सेंस ऑफ ओनरशिप फील होगी कि हम इस कंपनी के
डिसीजन मेकिंग में भी है, चाहे वो डिसीजन केवल उनकी ड्रेस के बारे में ही हो रहा हो। इंसान के पास 76 डिफरेंट इमोशंस होती हैं, 76 डिफरेंट इमोशंस होती हैं, जिसमें एंगर है, जिसमें सॉरोज हैं, जिसमें जॉय है, जिसमें फ्रस्ट्रेशन है, बोर्डम है, जिसमें ग्रीफ है, जिसमें स्ट्रेस है। ये सारी की सारी इमोशंस इंसान को हेल्प करती हैं उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रोवाइडेड ये इमोशंस उसके कंट्रोल में हो। वो अपनी मर्जी से गुस्सा करे, अपनी मर्जी से खुश हो, अपनी मर्जी से दुखी हो। अगर वो दुखी नहीं होना चाहता तो हालात उसको दुखी ना करें। अगर वो गुस्सा नहीं करना चाहता तो दूसरे लोग उसको गुस्सा ना दिलवाएं। वो बोर्डम उसके कंट्रोल में हो। तो अगर इंसान इन 76 इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखे तो उसकी ग्रोथ पर्सनली भी और वर्क प्लेस पे भी मल्टीप्लाई हो सकती है। लेकिन अगर यही 76 इमोशंस, 76 की बात छोड़ो, अगर एक भी इमोशन उस इंसान को अपने कंट्रोल में ले गई तो यही इमोशंस उसके लिए बर्बादी का कारण बन सकती है। वो डिप्रेशन में जा सकता है। जो लोग सुइसाइड करते हैं वो इन इमोशंस से शुरू होता है। इमोशंस आर वेरी गुड सर्वेंट्स बट वेरी बैड मास्टर्स। जब आपके कंट्रोल में है दे सर्व यू, दे हेल्प यू, और जब वो आपको कंट्रोल कर लेती हैं, जब आप पर हावी हो जाती हैं, तो दे डिस्ट्रॉय यू। व्हेन दे बिकम योर मास्टर दे डिस्ट्रॉय यू। तो एम्प्लॉयज के इन इमोशंस का ध्यान रखिए, इसके ऊपर उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते रहिए। वैसे मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, मेरी स्पेशलाइजेशन है इमोशन मैनेजमेंट। मैं 76 इमोशंस के ऊपर काम करता हूं। मैंने एक 90 मिनट्स का पावरफुल मोटिवेशनल सेशन बनाया है जिसमें मैं इमोशंस के ऊपर ही काम कर रहा हूं। आप कहोगे कि 90 मिनट्स में बंदा चेंज कैसे हो सकता है? अगर आप प्रोफेशनल हो, इफ यू आर ए डॉक्टर, तो आप एक ही ऑपरेशन में उसका इलाज कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट ए डॉक्टर, तो आप 10 साल 20 साल भी लगे रहो, इलाज नहीं होगा। आई एम ए प्रोफेशनल लाइफ कोच, आई एम ए ट्रेन्ड लाइफ कोच, आई एम ए प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, ए ट्रेन्ड मोटिवेशनल स्पीकर, और 37 ईयर्स हो गए हैं इस प्रोफेशन में। अपनी जिंदगी दे दी है इसको, पूरी लाइफ दे चुका हूं इसको, और मेरे इस एक्सपीरियंस का भी आप जरूर फायदा लीजिए उस 90 मिनट्स के। हाँ, अगर आपकी जरूरत है तो 90 मिनट्स को बढ़ाया भी जा सकता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है। तो अपनी कंपनी के लिए ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने डीलर्स के लिए ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने वेंडर्स के लिए ऑर्गेनाइज कीजिए। बहुत सी कंपनीज कर भी रही हैं। अभी पीछे मैं मारुति के लिए करके आया हूँ, मारुति के वेंडर्स के लिए। अभी मैंने भारतीय सीमेंट और वंडर सीमेंट के लिए किया है, उनके डीलर्स के लिए। अभी मैंने ल्यूपिन फार्मा और जाइडस कैडिला के लिए किया है, उनके सेल्स फोर्स के लिए। मॉनेट स्टील ने मेरे से करवाया, उनके वो लोग जो फ्लोर पे काम करते हैं, जो माइंस के अंदर काम करते हैं, जो उनके पावर प्लांट्स में काम करते हैं, लोकेशंस पे जाके मैंने उनके लिए इन सब्जेक्ट्स के ऊपर सेमिनार किए हैं। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अपने मुंह से बोल रहा हूं तो अपने मुंह से ही बोलूंगा। मेरे पास इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए तो कोई पैसा प्रूफ है नहीं। हाँ, डू ऑर्गेनाइज। और अगर मेरे से आप नहीं करवाना चाहते तो किसी ट्रेनर से करवा लीजिए, किसी और स्पीकर से करवा दीजिए, बट अपने एम्प्लॉयज की हेल्प कीजिए इमोशंस को मैनेज करने में, सो दैट वो आपके लिए और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकें
और उनकी परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई कर सके। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके एम्प्लॉयज को टिकाए रख सकता है वो है उनकी तारीफ। बार बार मौका ढूंढिए उनकी तारीफ करने का। अगर उनके कपड़े में आपको लगता है कि तारीफ करने योग्य है, कर दीजिए, इंतजार नहीं कीजिए, अंदर नहीं सोचिए यार इसका कोट बहुत बढ़िया लग रहा है, कह दीजिए उसकी टाई बढ़िया लग रही है, उसका हेयर स्टाइल बढ़िया लग रहा है, उसकी वॉच बढ़िया लग रही है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया लग रही है, उसकी स्माइल बढ़िया लग रही है, बिहेवियर बढ़िया लग रहा है, उसके वर्क प्लेस का रिजल्ट बढ़िया लग रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया लग रही, जो भी बढ़िया लग रही है ना, तारीफ कर दीजिए। और अगर आपने कहीं पर उसको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं, क्रिटिसाइज टू हेल्प हिम इंप्रूव, यानी उसको इंप्रूव करने के लिए अगर आपने क्रिटिसाइज करना है, तो यह ध्यान रखिए कि आपने तारीफ हमेशा लोगों के सामने करनी है और क्रिटिसिज्म हमेशा वन टू वन ही करना है, और उसको पहले डिस्क्लेमर लगा के इफ यू डोंट माइंड मैं तुझे कहने कुछ कहना चाहता हूं। इंसान अपनी हर गलती को एडमिट करने के लिए तैयार होता है। एज ए लाइफ कोच मैं इसको दावे से कह सकता हूं, इंसान अपनी हर गलती को एडमिट करने के लिए तैयार रहता है, उस गलती को सुधारने के लिए भी तैयार रहता है, बट वो इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता कि उसको किसी और व्यक्ति के सामने क्रिटिसाइज किया जाए, स्मॉल फील कराया जाए, झूठा साबित किया जाए, वो चाहे उसके कुलीग हो, चाहे उसके फैमिली मेंबर्स हो। तो यू एज ए एम्प्लॉयर, यू एज ए मैनेजर, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि तारीफ हमेशा सबके सामने करनी है। अगर उसकी एब्सेंस में भी उसकी तारीफ कर सकते हो तो कहीं ना कहीं इसकी खुशबू उसको पहुंच जाएगी। और क्रिटिसाइज करना है तो हमेशा पर्सनली वन टू वन। इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी एम्प्लॉय की, किसी भी एम्प्लॉय को उसकी एब्सेंस में क्रिटिसाइज ना करना। ये गलती कभी भूल के नहीं करना है, किसी भी एम्प्लॉय की एब्सेंस में उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। और साथ में टीम स्पिरिट को जरूर इनकरेज कीजिए, इकट्ठे काम करने को जरूर इनकरेज कीजिए। उसमें आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, छोटे छोटे गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कीजिए, जैसे मैंने कहा था ओवर द ब्रेकफास्ट, ओवर द डिनर, ओवर द लंच। ऐसे ही आप फेस्टिवल्स भी इकट्ठे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनके लिए बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनके वेडिंग एनिवर्सरीज सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो टीम स्पिरिट को जरूर एनकरेज कीजिएगा। रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए कभी कुछ सोचा है? बड़ी हैरानी होगी ना, रिटायर्ड एम्प्लॉयज की रिटायर्ड लाइफ बेटर बीते उसके लिए चाहे साल में छोटा सा इवेंट करें अपने बजट के अकॉर्डिंगली, लेकिन करें जरूर। ये आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए एक बेस्ट सिग्नल देगा, बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप कंपनी को छोड़ने के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी कंपनी आपका ध्यान रखती है, और एम्प्लॉयज की फैमिलीज के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर इवेंट्स ऑर्गेनाइज कीजिए। ये रिसेंटली अभी एक कंपनी ने, भारती सीमेंट, उदयपुर में उनका प्रोग्राम हुआ, उन्होंने डीलर्स कॉन्फ्रेंस में डीलर्स को अपनी फैमिलीज के साथ इनवाइट किया, यानी उनके हस्बैंड्स, उनकी वाइफ्स और उनके बच्चे भी थे। 3-4 डीलर्स अपने मदर्स को भी लेके आए थे, फैमिली घर से मोटिवेट करती है ना, जाओ ऑफिस, जाओ काम पे, क्योंकि वहां कुछ सीख के आ रहे हो, कुछ अच्छा है। आपके एम्प्लॉयर कितने अच्छे हैं, आपके मैनेजर्स कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी कंपनी में आप काम करते हो। तो एम्प्लॉयज की फैमिलीज के लिए भी कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई गेट टुगेदर जरूर ऑर्गेनाइज कीजिएगा। तो माय डियर एम्प्लॉयर, माय डियर मैनेजर, माय डियर सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, जीएम, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं
आपके लिए हमेशा हाजिर हूं, नॉट ऑलवेज के मैं फीस मांग रहा हूं, कभी भी एम्प्लॉयज रिटेंशन के रिलेटेड, एम्प्लॉयज मोटिवेशन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए और आपको लगे कि आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, मेरी एडवाइस आपके काम आ सकती है, मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है, तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर स्क्रीन पर भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी है। मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे हैं www.tsmadaan.in। आप वहां से भी मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकते हैं। बिना झिझक मुझे कॉल कीजिए, ऑल 24 आवर्स कॉल कीजिए, बट ऑल 24 आवर्स में फोन पिक नहीं करूंगा, मैं आपके मिस्ड कॉल पे रिवर्ट कर दूंगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट डे रिवर्ट कर दूं। और अगर आप मुझे दिन के समय कॉल करते हैं और मैं किसी सेमिनार में नहीं हूं, तो डेफिनेटली मैं उस समय भी पिक करता हूं। मेरा पर्सनल नंबर मेरे पास रहता है, मैं ही पिक करता हूं, मेरा कोई सेक्रेटरी, मेरा कोई एग्जीक्यूटिव, मेरा कोई असिस्टेंट उसे पिक नहीं करता है। इस ब्लेसिंग के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूं कि ऊपर वाला उस वो खुदा हो, भगवान भी आपकी मदद करे, आपके कंपनी की ग्रोथ में उसका भी पूरा हाथ रहे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, क्योंकि आपकी कंपनी की तरक्की में पूरे समाज का फायदा है। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।